हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बॉलर्स की जो अपने प्रदर्शन से पूरा मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे पांच फास्ट बॉलर्स और ऐसे पांच स्पिनर्स की जानकारी लेने के लिए बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर अब नए आए हैं और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएं। इस बार का आईसीसी वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स में हो रहा है और वहां पर 350 रन बनना एक आम बात है। ये सब हमने इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान की सीरीज में भी देख लिया, वहां पर हर मैच में लगभग 350 रन बनाए गए हैं। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए इन सभी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। तो नंबर पांच पर इस लिस्ट में नाम आता है शेन थॉमस का। शेन थॉमस ने अपना डेब्यू 2018 में किया था और इनके पास 150 किलोमीटर पर आर की बॉल फेंकने की भी क्षमता है। शेन थॉमस ने किफायती बॉलिंग करते हुए 15 ओडीआई विकेट और 5 टी20 विकेट लिए हुए हैं। शेन थॉमस बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर फेंक सकते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। और आईपीएल में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इन्होंने 5 मैच में विकेट लिए थे। चार पर इस लिस्ट में नाम आएगा जोफ्रा आर्चर का। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, उनका सिलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी हुआ था और उसके बाद अब जोफ्रा आर्चर का सिलेक्शन डेविड विले की जगह कप की टॉप 15 की टीम में हो गया है। नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क 2015 का भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और उन्होंने 8 मैचों में 22 विकेट झटके थे और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। स्टार्क पिछले 15 महीनों से बहुत ही ज्यादा इंजरी से जूझ रहे हैं। उन्होंने पिछले 15 महीनों में सिर्फ 3 ही ओडीआई खेले हैं, पर उनकी घातक तेज गेंदबाजी और उनकी इन स्विंग सभी बैट्समैन को वर्ल्ड कप में डरा सकती है। दो पर इस लिस्ट में नाम आता है कगिसो रबाडा का। कगिसो रबाडा ने 2015 में अपना बांग्लादेश के खिलाफ अपना डेब्यू किया और उन्होंने अपने डेब्यू पे हैट्रिक भी ली। उन्होंने 6 विकेट 16 रन देकर ली थी। तो रबाडा का आईपीएल में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। कगिसो रबाडा ने 12 मैचों में 25 विकेट लिए थे कि चोट के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा था। कोच ने बता दिया है कि कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के लिए 30 मई को होने वाले मैच में खेलेंगे। रबाडा शुरू के ओवरों में और लास्ट के ओवर्स में दोनों ही समय अपने लिए विकेट निकाल सकते हैं और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। नंबर एक पर इस लिस्ट में नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। प्रीत बुमराह ने अभी तक 185 विकेट लिए हैं। प्रीत बुमराह इस समय आईसीसी की टॉप रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर हैं और उनकी घातक तेज गेंदबाजी और उनकी यॉर्कर्स इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत ही बेहतरीन काम कर सकती हैं। स्पिनर्स की लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है मिचेल सैंटनर का। मिचेल सैंटनर अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए 59 ओडीआई में 63 विकेट लिए हुए हैं। इंग्लैंड की टीम मैच जीतने के लिए मिचेल सैंटनर पर बहुत ज्यादा निर्भर कर सकती है। चार पर इस लिस्ट में नाम आता है एडम जैम्पा का। एडम जैम्पा अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। एडम जैम्पा अपने एक्सपीरियंस से अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इन पर इस लिस्ट में नाम आता है राशिद खान का। राशिद खान अपनी गुगली और अपनी तेज फ्लिपर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उन्होंने 57 मैच में अब तक 123 विकेट लिए हैं और सारे बैट्समैन को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी राशिद खान को खेलने में। राशिद खान अपने अकेले के बलबूते पे मैच लेकर जा सकते हैं अपनी टीम के लिए। ऊपर इस लिस्ट में नाम आता है युजवेंद्र चहल का। युजवेंद्र चहल ने 11 जून 2016 में अपना ओडीआई डेब्यू किया था। युजवेंद्र चहल ने अभी तक 41 मैचों में 72 विकेट लिए हैं। एमएस धोनी का विकेट के पीछे से साथ होने के कारण युजवेंद्र चहल बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। टीम को वर्ल्ड कप जिताने में युजवेंद्र चहल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करना जरूरी है। एक पर इस लिस्ट में नाम आता है इमरान ताहिर का। इमरान ताहिर ने अभी तक 58 मैच में 162 विकेट लिए हैं। ताहिर अभी आईसीसी की रैंकिंग में भी नंबर 4 पर आते हैं। आईपीएल में भी इमरान ताहिर का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। साउथ अफ्रीका टीम को मैच जिताने में इमरान ताहिर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और घंटी के आइकन को भी दबा देना। आपकी क्या राय है इस सब के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। Thanks for watching. See you in my next video.